सीखा मैंने जमीन पे रह के आसमान छूना, जिनसे सीखा मैंने जमीन पे रह के आसमान छूना, ऐसे हैं हमारे सबके दिलों पे राज करने वाले राव सर। Hi guys, this is Dr. Meenal Jain. On the occasion of the Rao sir birth anniversary, I am sharing my one more rare remedy with case. So guys, देखते हैं case. इस case में मैंने कौन से ऐसे rubrics उठाए और ये remedy prescribe की, आज ये हम लोग discuss करने वाले हैं. उसके साथ साथ में ना इस remedy में ना एक बहुत ही सुंदर ऐसा रूब्रिक है. आज हम उस रूब्रिक को भी इन डिटेल समझेंगे, उसका फील समझेंगे कि ये रूब्रिक मैंने कैसे इस केस में से उठाया और ये रेमेडी प्रिस्क्राइब की, फर्स्ट स्ट्रोक में ये रेमेडी मैंने निकाली, कैसे निकाली होगी. ठीक है, ये जो केस है, ये केस मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, क्योंकि मैंने ये केस से ही होम्योपैथी में एंट्री की है. मेरे लाइफ में मैंने सबसे पहली कोई रेमेडी प्रिस्क्राइब की होगी तो वो है ये वाली रेमेडी. ठीक है, सो गाइस देखते हैं केस. केस में ना मैंने कुछ बात नोटिस की, तो वो नोटिस की हुई मैं बात आपको पहले बताना चाहती हूँ कि वो बात थी कि वो जो लेडी है जब मेरे पास क्लिनिक में आती है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो लेडी जो है उसके एकदम शॉर्ट हेयर्स होते हैं और वो एकदम स्लीवलेस ड्रेस पहनकर मेरे पास आती है. वो जो ड्रेस उसने पहना हुआ होता है वो एकदम एकदम टाइट और ऐसा आयरन किया हुआ होता है कि उसका जो प्रेजेंटेशन है ना वो देख के आप बोलोगे वाओ क्या है करके, है ना. वो जो लेडी होती है जब वो बोलती है कि आई एम 51 ईयर ओल्ड, तो ये सुन के ही मुझे शॉक लग जाता है कि यार कितना मेंटेन है करके इसका, है ना. और वो इतनी प्रॉपर दिखती है, वो इतना अच्छे से उसका रहना उठना, वो गेट पर से आके मेरे क्लिनिक में जो चेयर है उस पर बैठने का तरीका वगैरह वो सब देख के ना मैं चाम हो जाती हूँ उसके. ये यहाँ पे कंसिडर करने जैसी बात थी, एक नोटिस किया मैंने छोटी सी ये जो बात. ठीक है, अभी देखिए केस कैसे शुरू होती है. ये जो 51 ईयर ओल्ड लेडी होती है मेरे पास सोरेसिस के ट्रीटमेंट के लिए आती है. ठीक है, ये जो लेडी है वो उसके इनिशियली चीप कंप्लेंट्स मुझे सुनाती है. वो बोलती है कि यहाँ ये जो हाथ है यहाँ पे एक पैच आया हुआ, ये जो हाथ है यहाँ पे एक पैच आया हुआ है, उस पर बहुत इचिंग होती है, अभी गर्मी के दिन है बहुत स्वेटिंग होती है और बहुत सारा ऐसा डैंड्रफ निकलता है बोले इसमें से. ठीक है, पैरों में भी बहुत सारे ऐसे पैचेस कहीं कहीं आए हुए हैं और वो अब धीरे धीरे फैलते ही जा रहे हैं और बहुत कड़क ऐसे ठीक ऐसे ये पैचेस होते जा रहे हैं दिन पर दिन. बोले बहुत तकलीफ हो रही है, बोले बहुत सारे जॉइंट्स पर आते हैं, बोले तो वो जॉइंट भी पेन करने लग जाता है, बोले ये ऐसे उसकी वो चीफ कंप्लेंट्स मुझे सुनाती है. ठीक है, उसके बाद में धीरे 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 केस चलती है. फिर मैं उसको पूछती हूँ कि और क्या तकलीफ है, तो बोले बस यही बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इसमें से कभी कभी ऐसा हो जाता है ज़्यादा पानी में रह जाओ, बहुत स्वेटिंग हो रही है तो थोड़ा गीला गीला भी लगने लग जाता है, ऐसे वैसे वो बोलती है. ठीक है, उसके बाद में फिर मैं उसको पूछती हूँ ठीक है आप पूरे दिन ये सब तकलीफ होती रहती है तो कैसे मैनेज करते हैं, तो वो बोलती कुछ नहीं कर लेती हूँ बोले मैनेज, अभी नहीं हुआ काम तो छोड़ देती हूँ बोले, ऐसे भी घर में हम दो ही लोग रहते. ठीक है, वो ये पॉइंट पे आके चुप हो जाती है कि हम घर में दो ही लोग रहते. फिर अब मैं मेरी केस टेकिंग स्टार्ट करती हूँ. मैं उसको फिर पूछती हूँ कौन कौन रहता है आपके घर में, तो फिर वो बोलती है मैं और मेरे सासू माँ ही रहती है. मैंने बोला क्यों, जो मेरे ससुर जी थे ना बोले वो 2 महीने पहले ही उनका देहांत हो चुका है और जो मेरे हस्बैंड है बोले वो 22 ईयर्स पहले ही उनका उनकी डेथ हो चुकी है बोले. मैंने बोला ठीक है कैसे, तो बोले उन्हें कैंसर था. ठीक है, तो मैंने बोला कैंसर था, हाँ बोले कैंसर था. बोले क्या था ना, क्या हुआ, कब हुई थी आपकी शादी वगैरह, ऐसा मैंने जस्ट जो एक सवाल डाला. फिर क्या हुआ ना, वो अब धीरे धीरे उसकी बात बोलने लगते हैं. क्या कि वो मेरा ना लव मैरिज था बोले, उस जमाने में मैंने भाग के शादी की थी, शादी कास्ट में थी फिर भी हमने भाग के शादी की थी क्योंकि घर वालों का इसके लिए
सहमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम लोग अमीर थे और ये जो थे वो नॉर्मल लोग थे, मतलब इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था इनका। फिर मैंने पूछा और फिर वो बोलती है कि बोले फिर इस वजह से ना मेरे सासू माँ को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी पहले से, मेरे जितनी भी नंदे हैं उनको भी मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बोले क्यों? बोले क्योंकि ना उसे ऐसा लगता था कि ये लव मैरिज है, हमारे मन के खिलाफ हमारी बहू आई हुई है, ऐसा वैसा, इस वजह से वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अभी देखिए, बोले जो मेरा, फिर मैंने बोला आपको बच्चे वगैरह कोई नहीं है क्या, कितने साल आपके हस्बैंड जिए? तो वो बोले मेरे हस्बैंड, हमारी जब शादी हुई बोले उसके बाद में वो 8 साल तक ही जिए। बोले बोले प्रेगनेंसी रही थी, बोले तो मेरा वो मिस कैरेज हो गया था, बोले उसके बाद में मुझे कुछ सालों तक ये प्रेगनेंसी रही नहीं, बोले और उसके बाद में अचानक से मुझे एक बहुत बड़ा शॉक लगा और वो था कि मेरे हस्बैंड को कैंसर निकला, उनको थ्रोट का कैंसर था उसके, उनको फिर उनके कैंसर की वजह से, बोले मैंने 4 से 5 साल तक के उनकी सेवा की, बोले उनको बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराए, ये सब कुछ कराया, बोले और उसके बाद भी वो नहीं बच पाए, बोले उनकी डेथ हो गई। बोले तब से, बोले मेरे ससुर जी और मेरी सास रहते थे, अभी 3 महीने पहले ही उनका, ससुर जी का मेरा देहांत हो गया है। ठीक है, तो मैंने बोला इतने साल आपने अकेले कैसे निकाले, फिर कहीं और शादी कर लेना चाहिए था ना, तब तो आपकी ज़्यादा एज भी नहीं थी। ठीक है, हाँ बोले बहुत मुझे बड़े बड़े घर के रिश्ते आए, बोले ये मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद भी मेरी माँ भी बोली कि तू आ जा बोले वापस घर पे, ऐसा वैसा, मेरे पिताजी थे ना बोले तब बहुत अच्छा था, बोले वो जो मेरी मेरी मम्मी है ना उसने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया, बोले इतना मेरे साथ हुआ इतना ये हुआ, बोले फिर भी उन्होंने मेरे साथ कभी कभी भी उसने मेरा कभी साथ नहीं दिया। बोले मेरे पापा आज जिंदा होते बोले तो वो मुझे मुझे बहुत प्यार करते बोले, और वो मेरा हर पल हर इसमें मेरा साथ देते, बोले ये मेरी माँ है ना बोले कुछ काम की नहीं है, बोले वो सिर्फ वो और उसका बेटा उतना ही देखती रहती है, मुझे कभी भी उसने वो प्यार नहीं दिया, वो बात नहीं दी, बोले कि जो एक बेटी को एक माँ ने देना चाहिए। ठीक है, ऐसा वो अचानक से वो सब ट्रेंड चेंज करके ये बात बोलती है। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे केस आगे जाती है, आगे बढ़ती है और वो बोलती है कि बोले बोले मैंने मेरे जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा, बोले बहुत दुख देखा, बोले मुझे इतने बड़े बड़े घर के रिश्ते आए थे, बोले इतना ये आया था, बोले डॉक्टर लड़के भी आए थे, बोले जिनकी री मैरिज भी नहीं हुई भी थी, मेरी तो भी री मैरिज थी, फिर भी मुझे इतने बड़े घर के लड़के आए थे, बोले फिर भी मैंने नहीं किए, बोले वो बोले मेरी गलती हो गई, बोले मैंने नहीं किए, बोले तब कर लेना चाहिए था, ऐसा वो बोलती है। ठीक है, बोले मैंने बोला आप क्या साड़ी का बिजनेस करते हो ना? हाँ बोले मैं साड़ी का बिजनेस करती हूँ। बोले बोले मतलब क्या है ना, यहाँ पर जो एक्स पॉलिटिशियन थे उनके रिश्ते में ये लगती है। ठीक है, तो उनकी एक बड़ी बैंक है, ग्लोबल बैंक है, और उस बैंक में मैनेजर का इसको उस टाइम पे जब उसके हस्बैंड की डेथ होती है तो वो लोग उसको ऑफर करते हैं कि तू हमारे बैंक में एज ए मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर तू ज्वाइन हो करके, ऐसा दया बोल के उसको वो जॉब ऑफर करते हैं, ऐसा उसको लगता है, ये उसका डिल्यूजन होता है। तो इगोटिज्म के वजह से वो बोलती है कि मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, इसलिए वो जॉब एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, तो अभी वो मुझे ऐसा बोलती है कि मुझे तो बहुत बड़े बड़े रिश्ते भी आए बोले और बहुत बड़े बड़े जॉब के ऑफर भी आए बोले, तब मैं वो जॉब के ऑफर एक्सेप्ट कर लेती थी बोले, तो आज मैं बहुत पैसे वाली होती थी और बहुत फ्री लाइफ जीती थी बोले, मेरी बहुत पछतावा हो रहा है आज मुझे, ऐसा वो मुझे बोलती है। ठीक है, मैंने बोला और बोली और आपके बारे में बोलिए, आपके घर के फैमिलीज के बारे में बोलिए, कुछ बोलिए, कब से आपको ये है? बोले 2 साल से ये सब मैं तकलीफ से सहन कर रही हूँ, बोले अभी भी मेरी एक जगह पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रही है पिछले 1.5 साल से, बोले पर कुछ भी फर्क नहीं है। बोला ठीक है, और ठीक है, बोले आपको क्या बोलूँ? बोले दीदी मैं घर में इवन खाना भी नहीं खा सकती मेरे मन से, बोले मैं खाना खाने बैठती हूँ तो बोले मेरी सासू माँ घर में आती है किचन में और देखती है कि मैं क्या खा रही हूँ और क्या नहीं, बोले मैं इवन इस घर में
मन से मेरे सांस भी नहीं ले सकती हूँ। पैसे मेरी सासू माँ उनके पास रखती है, इवन जो काम वाली बाई है, अभी इतने साल हो गए शादी को मेरे, फिर भी आज के मोमेंट पर भी मेरे पास एक रुपया भी नहीं कि मैं मेरे मन से खर्च कर सकूं। इवन काम वाली बाई को भी वही उनके पास से पैसे देते हैं और वही हिसाब रखते हैं। अभी उनको इतना याद नहीं रहता है, नहीं कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी सब पैसे का हिसाब वही रखेंगे, सब उनके पास ही उन्होंने रखा हुआ है। क्या बोलूँ मैं आपको, किसी ने मेरी थोड़ी सी तारीफ भी कर ली या कुछ अच्छा मुझे बोल भी दिया बोले, इवन मेरे ननन भी एक आधी बार मुझे अच्छा बोल दे, तो मेरी सासू माँ कंटिन्यू बोले, चिट चिट पूरे दिन मेरे ऊपर करती रहेगी। उस दिन बोले मैं चैन की सांस भी नहीं ले सकती हूँ, बोले इस घर में, बोले इतना, क्या मैं आपको बोलूँ, बोले इतना दर्द है, इतना संघर्ष है, बोले मेरे लाइफ में, बोले ठीक है, ऐसा वो मुझे बोलती है। उसके बाद वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही गंदा, ऐसा भी बोले जाएगा तो चलेगा, वो मुझे बोलती है, बोले जब मेरी किस्मत लिखनी थी ना, तब भगवान क्या टॉयलेट को चले गए थे, बोले कि इतना इतना खराब जिंदगी मुझे उन्होंने दी, ठीक है, ऐसा सेंटेंस उसने लिटरली बोला था उसके केस में, पता है, सुनने में तो बहुत गंदा लग रहा है, बट उसकी जो, जब वो उसके अंदर का वो जो गुस्सा निकल रहा था बाहर उसके सास के प्रति, या जो भी उसको फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था बाहर, तब वो जो ये बातें बोल रही थी ना, तब उसने ये वाली भी बात बोली थी। उसके बाद वो बोलती है कि मैं सुख से रह ही नहीं सकती, मैं सुख से सांस भी नहीं ले सकती, मेरे मन से मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, बोले हमारे घर में फिलहाल, बोले आज की ऐसी मेरी कंडीशन है, ठीक है, ऐसा बोलती है वो। उसके बाद में वो मुझे बोलती है कि बोले मेरी सांस मेरे ऊपर ध्यान ही रखे हुए रहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कितनी साड़ियाँ सेल कर रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, पूरे हर एक चीज़ पर उसका ध्यान रहता है, और वो मुझे वही एहसास दिलाती रहती है कंटिन्यू कि ये मत करना, वो मत करना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कंटिन्यूसली उसका ऐसा चलता रहता है, मैं मेरे मन से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, बोले इस घर में, बोले ठीक है। और फिर वो सब्जेक्ट चेंज करती है, ये सब चीज़ें जो वो जब बोलती रहती है वो कंटिन्यूसली रोती रह रही है, रो रही है, आँखों में से पानी आ रहा है, और ऐसी चीज़ें, ये सब चीज़ें बोल रही है। उसके हस्बैंड की भी याद निकालने के बाद में वो उसके बारे में सब बोलती थी, मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, ऐसा वैसा, इसीलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की, पर अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मैंने तब कर लेना चाहिए था, ऐसा वैसा, ये सब बातें वो मुझे बताती है। और फिर से टॉपिक चेंज करती है और बोलती है कि बोले जब भी बहुत ज़्यादा धूप होती है या फिर तो ठंड पड़ती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, उसमें से बहुत सारे डैंड्रफ के जैसे स्केल्स निकलते हैं वगैरह, इस तरह से वो उसके फिर से कंप्लेंट्स सुनाने लगती है मुझे, ठीक है। वो उसके रोते रोते हुए बोलती रहती है कि उसके सास के बारे में या फिर तो उसके नंदों के बारे में, उसके ससुर जी के बारे में, ये सब जब वो बताती रहती है ना, तब वो बोलती है, एक और सेंटेंस बोलती जाती है कि इनके लिए इतना है कि मैंने किया, इतने साल तक के मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, इतना मैं सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी बोले इनको मेरी बिल्कुल कदर नहीं, बोले कहीं पर भी कितने मेहमान आ जाए, क्या आ जाए, बोले तो कभी भी ये इनके साथ मुझे कंसीडर नहीं करते, बोले इनके इधर के जब मेहमान आते हैं, बोले तो वो ऐसे बिहेवियर मेरे साथ करते हैं कि मैं हुई नहीं करके घर में, और बोले इसलिए, इस वजह से मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, बोले तो यहाँ पे ये जो केस है, इस केस में ना, ये जब वो ऐसा बोलती है ना, तब एक और बहुत ही अच्छा रूब्रिक लगता है, वो लगता है 4 सेकंड फिल्म, ठीक है, ये वाला रूब्रिक यहाँ पर लगता है मेरी ये केस। और ये केस मैंने यहीं पर स्टॉप की, मैंने उसको कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, और उसके बाद में देखते हैं कि ये केस में मैंने क्या लिया, केस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इवोल्यूट करते हैं इस केस को, और समझते हैं रेमेडी को, रूब्रिक्स को, और ये केस में क्या है, और ठीक है, ये सब पूरी केस सुनने के बाद में ना, उसका जो अंदर की जो आवाज़ थी उस केस को सुनकर, उसके पास बैठकर मुझे क्या फील हुआ ना, मुझे एक फील हुआ, एक चीज़ फील हुई कि उसकी जो सास है वो उसको तकलीफ दे रही है, वो उसको परेशान कर रही है, वो उसके सास से परेशान है,
ये फील मुझे पूरे केस सुनकर आया फर्स्ट। दूसरा कि उसको एक चीज़ का पछतावा है उसकी, उसने उसको जब शादी के ऑफर्स आई तो उसने वो एक्सेप्ट करना चाहिए था, या फिर तो उसको बैंकिंग की असिस्टेंट मैनेजर के जॉब की ऑफर आई थी तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, उसका ईगो आड़ा नहीं आने देना चाहिए था तब। ऐसा उसको थोड़ा सा पछतावा हो रहा है आज, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने कंसिडर की। उसके बाद ना उसने क्या बोला ना कि उसको उसकी जो माँ है उसका जो लव मैरिज था तो उसके माँ ने बिल्कुल भी उसकी साथ नहीं दी, एज़ कम्पेयर टू उसके पापा ने शादी होने के बाद तो भी उसको एक्सेप्ट कर लिया उनको, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये एक बात मुझे मैंने वहाँ नोटिस की। तो ये दो तीन चीज़ें ये केस के अंदर ना मैंने अपने इवोल्यूशन में कंसिडर की, ठीक है। एक और बात कंसिडर की जो मैंने आपको केस के स्टार्टिंग में बताई थी, क्या बताई थी कि उसका प्रेजेंटेशन, उसको देखने के बाद में कोई भी बोलेगा वाव क्या प्रेजेंटेशन है ये औरत का, ठीक है। ये और उसके एज के हिसाब से उसने उसकी बॉडी कैसे मेंटेन करके रखी है, ये भी चीज़ नोटिस करने वाली थी और इसे भी मैंने मेरे केस में कंसीडर किया, ठीक है। ये चार पांच चीज़ें मैंने इस केस में नोटिस की। फर्स्ट रूब्रिक था डिल्यूजन टॉर्चर, ठीक है। डिल्यूजन टॉर्चर क्या है ना कि यहाँ पे उसका डिल्यूजन क्या है, उसे क्या लगता है कि उसकी जो सास है अभी इतनी, अभी आप सोचिए कि इतनी एज है उसकी, सोचिए है ना, इतने साल हो गए उसकी शादी को और शादी के बाद भी, वीडो होने के बाद भी वो इतने साल उसकी सास के पास ही रही है। जैसे वो बोलती है कि जितने भी पैसे है काम वाली बाई को भी देना है या कुछ भी खर्च करना है तो वो सब पैसे उसकी सास उसके पास रखती है, ठीक है। उसके बाद में कुछ भी इसको कुछ खाना रहता है, कुछ खाना जो रेगुलर का खाना भी ये खाती है तो उसमें भी वो उसकी सास आके देखती है कि ये क्या खा रही है, कितना खा रही है, ऐसा इस टाइप में ना। तो इस ये सब सिचुएशन की वजह से ना उसको एक टॉर्चर की फीलिंग आती है। टॉर्चर मतलब क्या, टॉर्चर ना ये जो रूब्रिक है, ये जो वर्ड है टॉर्चर, इसका हम लोग जब डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे ना तो डिक्शनरी मीनिंग इस वर्ड का क्या होता है कि यातना या किसी को कष्ट देना, बहुत ऐसे कष्ट देना, ठीक है। टॉर्चर में क्या होता है ना, एक सटल लेवल की आपको बात बताती हूँ कि टॉर्चर में क्या होता है कि वो जो कुछ भी है, जो जिसे भी टॉर्चर किया जाता है ना उसे ना ऐसा कंटिन्यूसली और परसिस्टेंटली एक फोर्स के साथ में ना कंटिन्यूसली उसे तकलीफ दी जाती है। टॉर्चर ना ये वर्ड आपने बहुत जगह पे सुना होगा, जैसे कि किसी को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है या फिर तो जो क्रिमिनल्स है वो कन्फेस नहीं हो रहे तो क्या उनको थर्ड डिग्री का टॉर्चर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे ये जो टॉर्चर है ये वर्ड ये कंटेक्स्ट में भी हम लोगों ने बहुत बार सुना है। उसके बाद में टॉर्चर बोले तो हम लोगों ने ये जो वर्ड है बहुत अलग अलग जगह पर हम लोग डे टू डे हमारे लाइफ में सुनते आ रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं। तो टॉर्चर में क्या होता है ना कि कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली किसी को एक फोर्स के साथ में ना तकलीफ दिए जाती है, एक यातनाएं दिए जाती है, उसे हम बोलते हैं टॉर्चर। टॉर्चर में जो तकलीफ देने का जो इंटेंसिटी होती है, जो वो एक कंटिन्यूसली होती है, एक परसिस्टेंटली बार 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 वही चीज़ उनको तकलीफ, वही यातनाएं दी जाती है। और इसके अपोजिट में एक और रूब्रिक है टॉर्मेंटेड। टॉर्मेंटेड में क्या होता है ना, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड इज, तो टॉर्मेंटेड में क्या होता है कि टॉर्मेंटेड में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्सफुली एक ही बार में बहुत बड़ी यातना दी जाती है, ठीक है। और टॉर्चर में क्या होता है कि जो यातना दी जाती है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे कंटिन्यू दी जाती है। टॉर्मेंटेड में क्या होता है कि एक ही फोर्सफुली बहुत स्ट्रांग ऐसी एक यातना होती है, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों रूब्रिक्स का, दोनों वर्ड्स का, ठीक है। सास उसके लिए टॉर्चर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी सास ही है, ऐसे आपको बहुत सारी सिचुएशंस मिलेंगी, ऐसे बहुत सारे आपको केसेस मिलेंगे कि जिसमें
किसी का हस्बैंड है, किसी ये किसी के कोई फैमिली मेंबर्स है, या फिर तो किसी को किसी के फ्रेंड के थ्रू, या किसी को किसी बिजनेस पार्टनर के थ्रू टॉर्चर किया जा रहा है, किसी को किसी के कलीग्स के थ्रू टॉर्चर होता है, किसी को किसी सिचुएशन उसको टॉर्चर करती है, तो यहाँ पे किस चीज़ में उसको कहाँ से टॉर्चर आ रहा है वो आपको देखना है और उसे रूल आउट करना है, ठीक है। तो ये हो गया डिल्यूजन टॉर्चर, ये वाला रूब्रिक मैंने लिया। इसमें सिर्फ तीन रेमेडीज है, फर्स्ट है मेडोरिनियम, दूसरी है ओजेनम और थर्ड रेमेडी है पॉजिटिरॉल, ठीक है। उसके बाद में मैंने सेकेंड रूब्रिक लिया कि वो उसके माँ के बारे में ना कैसा बोली ना, उसको गुस्सा आ रहा था, वो रो रही थी, उसको पुरानी बात याद आने के बाद में उसके अंदर से जो बात निकल रही थी बाहर, जो इमोशंस बाहर निकल रहे थे, उस इमोशन में वो कैसा उसके माँ के बारे में बोल रही ना कि उसके माँ ने उसकी साथ नहीं दिया, उसको प्यार नहीं किया, तो उसके प्रति उसको उसके माँ के प्रति कितना गुस्सा था, कितना एवर्जन था। तो वहाँ पे मैंने एक एवर्जन मदर टू ये वाला रूब्रिक उठाया। उसके बाद में ना मैंने एक और रूब्रिक लिया, सेंसिटिव मॉरल इम्प्रेशन टू। मतलब क्या ना, जब मैंने उसको पूछा कि आप ये कैसे मैनेज करते हो, तो वो तब क्या बोलती है कि उसकी जो ननंद आई हुई थी 2 दिन पहले ही, कैसे ना बोले ननंद अपने घर पे आती है आराम करने के लिए आती है, और आप हमने उसे काम बोलना चाहिए या उसे काम करा के लेना चाहिए, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो इस पर से क्या नोटिस होता है कि उसके मॉरल्स अच्छे है, दूसरी शादी नहीं करना है, मैंने लव मैरिज की है, मैंने मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत मेरा प्यार था, तो ये भी क्या था ना, ये सब चीज़ों से भी सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन ये वाला रूब्रिक समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद में वो ना बोलते बोलते ये सब गुस्से में, ये सब एंगर में एक और बात बोल गई कि जब भगवान मेरा नसीब लिख रहा था तब क्या टॉयलेट चला गया था कि उसने मेरा ऐसा बेकार नसीब लिखा करके इतने दुख दिए मुझे, इतना ऐसा कैसा नसीब दिया मुझे ना, ऐसा वो जब बोलती है ना, तो ये जो बोलती है वो उसके लिए बहुत ही, मतलब ये जो रेमेडी है, इस रेमेडी में बहुत ही अच्छा रूब्रिक है वो, डिल्यूजन गॉड गॉड्स वर्क आर इल मेड एंड इल डन, ठीक है, वह ऐसा बोलती है। तो ये वाला रूब्रिक मैंने जब पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि वो ये जो सेंटेंस है और ये रूब्रिक है, मतलब क्या ना कि उसे लगता है कि जो भगवान ने चीज़ बनाई है या जो मुझे दी है वो एकदम ही इल है, खराब है, बेकार है, ठीक है, ये एक रूब्रिक। उसके बाद में जब उसको वो चीज़ का पछतावा होता है कि मैंने दूसरी शादी क्यों नहीं की, मैंने जो मुझे जॉब के लिए ऑफर आई थी मैंने वो क्यों नहीं एक्सेप्ट की, तो वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे डिल्यूजन रॉन्ग डन रॉन्ग ही हैज़, उसे ऐसा लगता है, ठीक है। ये कुछ रूब्रिक्स मैंने उठाए और मैंने उसको रेमेडी दी पॉजिटिरॉल, ठीक है। ये जो रेमेडी दी मैंने उसको, रेमेडी देने के बाद में 15 डेज में ही उसके जितने भी हाथ के पैचेस थे वो पूरी तरह से चले गए थे, और जो पैरों के जो थोड़े से पैचेस थे उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया था, ठीक है। जब ना ये रेमेडी के बारे में मैं सोच रही थी कि मैं उसको क्या दूँ, तब मेरे दिमाग में एक और रेमेडी आई कि मैं सोची कि भाई सेंसिटिव टू मॉरल्स से, बहुत अच्छे मॉरल्स है ये लेडी के, ठीक है, वो उसके हस्बैंड की डेथ होने के बावजूद भी इतने साल उसके सास ससुर को झेल रही है, उनके सास ससुर के साथ में ही रह रही है, उनको छोड़ के नहीं गई, हालांकि गांव में ही उसके माँ बाप रहते हैं, इतना ये सब कुछ चीज़ें हैं, फिर भी ही, और उसको हस्बैंड नहीं, सॉरी उसको कोई भी बच्चा नहीं है, फिर भी उसने बच्चा कोई एडप्ट नहीं करके लिया है, उसकी जो भाई के बच्चे हैं उसी को वो प्यार करती है, इस टाइप में ये सब चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में सोची थी, और मुझे ऐसा लगा था कि भाई बहुत अच्छी लेडी है, ऐसा है, उसको इग्निशिया देना चाहिए, इस टाइप में कोई रेमेडी देना चाहिए। पर ना क्या होता है ना, वो जब केस में बोलती है कि पिछले 2 साल से उसको तकलीफ है और 1.5 साल से वो ऑलरेडी होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रही है और कोई फ़र्क नहीं, तब फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पहले जो डॉक्टर है जिन्होंने इसकी केस टेकिंग ली होगी, इस तो उन्होंने ये सब रेमेडीज उसको दी होगी, जो पॉलीकेस्ट रेमेडीज है, जो कॉमन रेमेडीज है, वो उसने
उन्होंने उसे दी ही होगी डेफिनेटली, ये एक बात मैंने सोची। फिर ये सोचने के बाद में फिर मैं बोली कि नहीं कुछ अलग है, कुछ देखते हैं क्या है करके। तब फिर मैंने मुझे टॉर्चर का फील आया और टॉर्चर का फील मैंने उसको सोल एंड सोल लिया पूरा इस केस का। और उसके बाद में फिर दूसरे पॉइंट्स धीरे धीरे ज्वाइन किए और उसके बाद में मैंने उसको रेमेडी दी पॉजिटेरन। पॉजिटेरन में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे रूब्रिक्स है आपको। वो जो लेडी है, वो लेडी का जो प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन किया था उसके लिए भी पॉजिटेरन में बहुत ही अच्छा रूब्रिक है। वो रूब्रिक है फास्टेडियस पर्सनल अपीयरेंस अबाउट, ठीक है, कि उसका जो पर्सनल अपीयरेंस था बहुत ही एकदम उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा फास्टेडियस है। जब ये जो रूब्रिक है, ये जो रेमेडी मैंने समझी और ये वो रेमेडी उसको लेडी को दी, उसके बाद में सेकेंड विजिट में मैंने उसको पूछा कि आपके आपके खुद के बारे में आप कुछ बोलिए, तब वो मुझे उसके बारे में बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा कपड़ों के शौकीन हूँ ऐसा वैसा वो मुझे बताती रहती। और वो बोलती है कि बोले कितना भी कुछ भी हो जाए, मतलब वो इतना दुख है उसको, इतने उसके लाइफ में क्राइसिस हो गए, फिर भी वो उस वो ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ी उसने। मतलब क्या कि एवरी मन वो पार्लर में जाती है, अपने आप के ऊपर खर्चा करती है, बहुत ज़्यादा खर्चा करती है पार्लर में। एवरी मंथ जाएगी, प्रॉपर फेशियल वेशियल करेंगी, उसके बाद में हेयर स्पा लेंगी, बॉडी मसाज लेंगी, बहुत बहुत कुछ कुछ करेगी वो उसके बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बहुत कुछ कुछ करती है ऐसा वो मुझे बताती है। उसके बाद में उसके पास बहुत कलेक्शन है क्योंकि खुद ही साड़ियों का सेल करती है, तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन है उसके पास साड़ियों का। जितना भी कलेक्शन है उसके पास मिनिमम 300 से 400 साड़ियाँ और ड्रेसेस होगी, वो प्रॉपर आयरन की हुई रहती। वो उसकी हर एक साड़ी लॉन्ड्रीज में देती है, ड्राईक्लीन के लिए देती है प्रॉपर। वो बहुत मेंटेन रखती है अपने आप को भी और उसका जितना भी उसके जितने भी ड्रेसेस है साड़ीज है उसको बहुत प्रॉपर रखती है वो हमेशा। तो यहाँ पे ये रूब्रिक बहुत ही सुंदर मुझे रूब्रिक समझ में आया कि फास्टेडियस पर्सनल अपीयरेंस अबाउट, ठीक है, ये वाला। उसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक्स है ये रेमेडी में, रूब्रिक्स है इस रेमेडी में के, वो आप स्टडी कीजिएगा और समझिएगा। इस रेमेडी के ना सिर्फ और सिर्फ एक से दो ही रूब्रिक्स ऐसे है कि उसके सोल रूब्रिक है। फर्स्ट रूब्रिक है डिल्यूजन टॉर्चर, उसके बाद में एवर्जन मदर टू, और उसके बाद में फास्टेडियस पर्सनल अपीयरेंस अबाउट। ये जो दो तीन रूब्रिक्स है, ये जो रूब्रिक्स है ये इसके सोल रूब्रिक्स है ये रेमेडी के। ये जो रूब्रिक्स है, ये दो तीन रूब्रिक्स आपको पेशेंट पे मिल जाए तो ये रेमेडी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इस रेमेडी को क्रैक करना, ठीक है। सो गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो रूब्रिक है और ये जो रूब्रिक है डिल्यूजन टॉर्चर और जो रेमेडी है प्रोजिटेरन, ये अच्छे से समझ गई होगी। अब बाकी जो रेमेडी में के जो रूब्रिक्स है वो आप प्लीज़ रेपर्टरी ओपन कीजिएगा और उसमें सब रूब्रिक्स पढ़कर आप स्टडी कीजिएगा, ठीक है।